चैनल। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी स्वस्थ है। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे और मैं आपसे कह रही थी इतनी दिनों से कि मैं व्रत शुरू करने वाली हूँ, तो वो व्रत है पशुपतिनाथ के व्रत है और मैं पांच सोमवार करने वाली हूँ। जैसे सभी को बताया कि पशुपतिनाथ व्रत में पांच सोमवार किए जाते हैं, तो आज मेरा पहला सोमवार है। तो सुबह उठी मैं, सारे काम निपटा लिए मैंने और काम निपटाने के बाद फिर नहा ली हूँ और सर नहीं धोया मैंने, क्योंकि जब हम व्रत करते हैं ना तो उस दिन कभी सर नहीं धोया जाता, तो आप एक दिन पहले सर धो लीजिए। तो अभी बस मैं गंगा जल छिड़क दूंगी सर पर, क्योंकि मन नहीं मानता है ना कि पूजा के दिन सर नहीं धोया, तो बस गंगा जल सर पर छिड़क दूंगी। और बस मेरी घर की पूजा होने की है तो मैं अभी घर की पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद जो पूजा की थाली रहती है वो निकालूंगी, तो आपको बताऊंगी मैं क्या क्या निकालने वाली हूँ। और पूजा की जो सामग्री थी तो वो मैं बहुत दिनों से अरेंज कर रही थी, लेकिन जो दिन पे लाने वाली चीज़ होती है तो वो आज सुबह मेरे हस्बैंड गए थे, बच्चों को छोड़ने गए थे, तो उस समय कुछ उन्होंने लाया और उस समय शॉप्स जो रहती है वो खुली नहीं थी, तो अभी वो और गए हैं तभी वो लाएंगे, तो तब तक मैं पूजा करती हूँ तो तब तक वो आ ही जाते हैं। तो चलिए अब घर की पूजा निपटाते हैं, तो उसके बाद पूजा की थाली निकालते हैं। तो चलिए मेरी पूजा हो गई है और मैंने पूजा की थाली भी लगा ली है, तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें मुझे नहीं मिली है, बहुत ढूंढी मैंने नहीं मिली, ये गए थे लेने के लिए तो नहीं मिला, तो कोई बात नहीं वो मैं वहीं से लेके चढ़ा दूंगी। मुझे बेल की पत्ती चाहिए थी तो बहुत ढूंढ लिया वर्धा में, लेकिन नहीं मिली मुझे, कहाँ पर भी नहीं मिली। तो वहाँ पर शिव जी को जो चढ़ी रहेंगी वही मैं धो के फिर से उनको चढ़ा दूंगी और कुछ लेके भी आ जाऊंगी शाम के लिए। और चलिए मैं बताती हूँ आपको मैंने क्या क्या लिया है। तो देखिए ये है मेरी पूजा की थाली जो मैंने सजा ली है, बस कुछ चीज़ों की इसके अंदर कमी है तो वो मुझे मिली नहीं है, मैंने कोशिश बहुत की कि वो चीज़ें मुझे मिल जाए और मैं कल से कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ें मुझे मिले, लेकिन नहीं मिल रही है। तो वो इसमें चीज़ें की कमी है, एक इसमें धतूरे का फल नहीं है और धतूरे के जो फूल आते हैं वो नहीं है, शमी पत्र नहीं है और अपराजिता के फूल आते हैं वो नहीं है और बेलपत्ती नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमको ये सब चीज़ें मिल जाए, क्योंकि हर जगह ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है मिलना, और मैं कोशिश कर रही थी मिलने की लेकिन नहीं मिला मुझे, लेकिन बेलपत्ती जो है वो तो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मंदिर में हर कोई चढ़ाने आएगा बेलपत्ती, तो मैं वही बेलपत्ती को धोकर शंकर जी पे चढ़ा दूंगी और कुछ पत्ती लेके भी आ जाऊंगी शाम की पूजा के लिए। तो ये तो मेरी सुबह की थाली है। तो अब देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने जल ले लिया है घर का, तो ये मैंने तांबे के कलश में लिया हुआ है। हमेशा जल आप तांबे के कलश में ही लेके जाइए, क्योंकि तांबे के कलश में शुभ माना जाता है और तांबे के कलश में हम जब कोई भी जल डालते हैं तो वो गंगा जल के समान ही होता है। तो मैंने इसमें फिर भी गंगा जल डाल दिया है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, और जल हमेशा घर का ही लेके जाइए, क्योंकि घर का जल पावन होता है और जब हम घर का जल जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो जो भी हमारे घर के जो पितृदोष रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि यही का लेके जाइए, भागा जल मत चढ़ाइए मंदिर में। तो ये हो गया हमारा जल जो मैंने तांबे के पात्र में ले लिया है। और उसके बाद हमारा ये देखिए, ये है पंचामृत। तो पंचामृत आप अलग अलग करके भी ले जा सकते हैं। तो पंचामृत में मैंने क्या क्या डाला है, दूध लिया है, दही लिया है, शक्कर लिया है और शहद लिया है और घी लिया, ये पांच चीजों से पंचामृत बनता है। तो आप अलग अलग करके भी ले जा सकते हैं। तो कैसा होता है ना, पशुपति जो व्रत होता है उसमें बहुत सारी औरतें करती है और इतना समय नहीं रहता है वहाँ पे कि हम अलग अलग चीजों से वहाँ पे भगवान का अभिषेक करें। तो कैसा है, तो मैंने सब एक साथ ले लिया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं या फिर अलग भी ले जा सकते हैं। अगर आपके इधर के जो मंदिर में ज्यादा गर्दी नहीं रहती है तो आप अलग अलग करके ले जाइए, लेकिन कैसा, जिस मंदिर में मैं जा रही हूँ वहाँ पे बहुत गर्दी रहती है, औरतें आती रहती है पूजा करने के लिए, तो मैंने मिक्स करके ले लिया है। और हमेशा ये ध्यान दीजिए आप कि जो पंचामृत रहता है वो कभी भी तांबे के कलश में नहीं ले जाना चाहिए। पंचामृत आप स्टील में रखिए या आप उसको चांदी के पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन भूल से भी आप पंचामृत को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो ये हो गया हमारा पंचामृत। और अब उसके बाद देखिए मैंने और क्या क्या चीजें ली हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है जो चंदन आता है ना, थोड़ा सा क्रीम कलर का चंदन है, वो चंदन ये लिया है शंकर जी को और गणपति जी को चढ़ाने के लिए, कार्तिकेय को चढ़ाने के लिए, नंदी जी को चढ़ाने के लिए चंदन लिया है। और ये अक्षत लिए है मैंने, तो ये देखिए जो अक्षत है, हमेशा आप ये ध्यान दीजिए जो अक्षत रहते हैं ना, ये कभी भी कटे छटे नहीं रहने चाहिए, हमेशा ये सहगे रहने चाहिए, यानी ये देखिए, ये हमेशा देखिए कितना पूरा, एक भी इसमें दाना कटा छटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कटे छटे दाने पावन नहीं माने जाते हैं, दोष माना जाता है, तो वो वैसी पूजा करके हमारे कोई मतलब नहीं है। तो आप थोड़ी सी कोशिश करिए कि आप घर के जो चावल होते हैं उसके घर में चुनिए, या फिर आपको जो पूजा सामग्री जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपको ये सब चीजें भी मिल जाएंगी, यानी ऐसे चावल भी मिल जाएंगे जो कटे छटे नहीं रहेंगे। तो ये हो गया अक्षत।
अब उसके बाद मैंने लिया है कुमकुम। तो कुमकुम आप पार्वती को चढ़ाएंगे, पार्वती जी को माता को चढ़ाएंगे और गणपति जी को चढ़ाएंगे। तो ये सब कुमकुम उनको लिया है, शंकर जी को कुमकुम नहीं चढ़ता है। और हल्दी भी मैंने उनको चढ़ाने के लिए ली है। और ये सिंदूर लिया है, तो सिंदूर मैं गणपति जी को चढ़ाऊंगी और पार्वती माता को चढ़ाऊंगी। और उसके बाद देखिए ये लिए है मैंने अबीर, अबीर और ये गुलाल। तो अबीर क्या होता है ना, अबीर बहुत लोगों को ये रहती है कि अबीर क्या होता है। तो अबीर एक ये सफ़ेद कलर का पाउडर है और इसके अंदर थोड़ा मैंने चमकी सी रहती है, तो एक अलग तरीके का भी अबीर आता है। लेकिन मुझे ये मिला है सफ़ेद वाला, तो मैंने ये लाया है। तो ये सभी भगवान पे चढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान पे चढ़ता है। शंकर जी, पार्वती माता, गणपति और कार्तिकी, उनको सबको चढ़ेगा। और गुलाल भी सभी को चढ़ेगा। ये गुलाल है गुलाबी कलर का, तो देखिए। उसके बाद है ये, तो ये पीला कलर का आपको दिख रहा है लेकिन ये हल्दी नहीं है, ये है अष्टगंध चंदन। तो ये थोड़ा सा सुगंधित रहता है, तो ये वो है। तो ये मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगी। तो चंदन तो सभी पर चढ़ता है और ये ज़्यादा पावन माना जाता है। तो ये काशी का जो है वहाँ का चंदन है ये, तो ये अष्टगंध चंदन है ये। तो और देखिए ये है भस्म, तो ये भस्म शंकर जी पे चढ़ाई जाएगी। तो ये भस्म मैंने रेडीमेड ही लाई हुई है, क्योंकि जहाँ मैं पूजा करने जहाँ पे मैं सामग्री लाने गई थी तो वहाँ पे भस्म मिल रही थी, तो मैंने खरीद ली। आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि किस तरीके की भस्म बनती है घर में, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि घर में भस्म किस तरीके की बनाई जाती है। ज़्यादा कोई चीज़ें लगती नहीं है, घर की चीज़ों से ही भस्म बन जाती है, पर थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लगती है उससे जमा करना पड़ता है। तो अब देखिए उसके बाद मैंने लिया है ये, लिखिए ये मैंने धूप लिया है सुबह और शाम। और ये जो थाली है ये सुबह और शाम दोनों के हिसाब से बनी है, यानी जो ये सारी जो क्वांटिटी है ये शाम के हिसाब से ही ली है। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से आ जाऊँगी और इसमें और चीज़ें डालूंगी। ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, इसमें मैं कोई चीज़ ऐड नहीं करूँगी। ये चीज़ें एज इट इज़ वैसी रहेंगी। शाम में ये थाली, ये वाली जो चीज़ें हैं ये वैसी फिर से जाएंगी पूजा करने के लिए। तो ये देखिए मैंने दो धूप रखी है, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। और देखिए मैंने दो कपूर रखे, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने लिया है ये मौलिया। तो ये हम वस्त्र के जैसे ले रहे हैं, तो इसको हम शंकर जी को चढ़ाएंगे। तो एक प्रकार का वस्त्र ही माना जाता है, ये कॉटन का है। तो ये हम मैंने दो लिया है शंकर जी को डालाने चढ़ाने के लिए, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। तो ये वस्त्र उसी हम चढ़ाएंगे। और उसके बाद मैंने लिए है दो जनेम लिए, ये देखिए दो जनेम। तो ये मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगी दो जनेम। और ये जो मैंने लिया है मौली धागा, तो ये मैंने सभी भगवान के बराबर हो गया, तो मैंने ये सबके हिसाब से एक साथ बना लिया है, मैंने तोड़ लिया है। और उसके बाद मैंने फूलों में लिया है, देखिए फूलों में मैंने क्या लिया है। तो ये मैंने लाल कलर के फूल लिए हैं, ये मैंने गणपति जी को चढ़ाने के लिए। आप जल जासमीन का जो फूल आता है ना, वो ले सकते हैं लाल कलर का, लेकिन मेरे पास नहीं था। मेरे घर में जो है वो गुलाबी कलर के फूल है, तो मैंने सोचा ये वाले फूल थे, तो मैंने गणपति जी को चढ़ाने के लिए लिया है। और ये मैंने कुछ झंडू के फूल ले लिए हैं, तो ये भी मैं चढ़ाऊंगी। और अगर आपको पीले झंडू के फूल मिलते हैं तो शंकर जी पे जरूर चढ़ाइए। और शंकर जी के लिए मैंने ये लिए हैं, तो ये मैंने लिए हैं जो रुई का आता है ना, रुई का फूल जो हनुमान जी को चढ़ता है वो। तो इसको आंकड़े के फूल भी बोला जाता है। तो व्हाइट कलर के अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे व्हाइट कलर के फूल नहीं मिले, तो मुझे ये पर्पल कलर के फूल मिले, तो ये मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिलती है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें नहीं मिलती है। तो अगर आप श्रद्धा भक्ति से कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो भगवान जी आपकी मनोकामना जो भी होती है ना वो ज़रूर पूर्ण करेंगे। बस आप श्रद्धा से करिए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही है तो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मिली है, क्योंकि भगवान देखते भी है कि अगर आपको कोशिश कर रहे नहीं मिल रही है तो भगवान वो भी देखते हैं, तो आप कोशिश ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, उसके बाद मैंने ये दो ये ले लिया है, दो मैंने जो धूप बनी रहती है ना, धूप इसे दुर्वा भी कहा जाता है। तो ये दो बना के ले ली, एक मैंने नंदी जी के लिए ले लिया और एक गणपति जी के लिए ले लिया। ये सुबह की पूजा के लिए है, शाम की पूजा के लिए मैं शाम में लूंगी। और मैंने जो फूल लिए, मैंने एक यानी सुबह की पूजा के हिसाब से लिए, मैंने दो समय के हिसाब से नहीं लिए, क्योंकि कैसे फूल मैं अगर अभी से पूजा की थाली में रख दूंगी तो शाम को ये सारे सूख जाएंगे, तो शाम के फूल मैं शाम में डाल दूंगी, लेकिन ये चीजें मैं वैसे ही रखूंगी। अब ये देखिए, अब उसके बाद मैंने ये लिया है अत्तर। तो ये देखिए मैंने अत्तर लिया है, और ये मैं शंकर जी को और सभी को लगाऊंगी। और अत्तर लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा ये जो बत्ती आती है ना ये ले लिया, तो बत्ती से लगाऊंगी। तो मैंने दो बत्ती ले लिए दो समय के लिए। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये चिरंजी के दाने, आप चिरंजी के दाने ले सकते हैं, आप मिश्री ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, जो अगर पंचमेवा होगा पंचमेवा ले सकते हैं, जो होगा आप वो सब चीज़ें ले सकते हैं। तो ये मैं जो भगवान होते हैं शंकर जी सभी भगवान, उनको ये जो प्रसाद रहता है ये चढ़ाऊंगी। और कटोरी में लेके जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं ये जो एक मैंने कागज़ फाड़ के ले लिया है ये देखिए, तो इसमें मैं वहाँ पे रख दूंगी, कटोरी तो मैं लेके आ जाऊंगी। और
ये हो गया प्रसाद और मैंने दक्षिणा लिया है, तो मैंने दक्षिणा ले लिया सुबह और शाम के हिसाब से मैंने ये दक्षिणा ले लिया। शंकर जी को दक्षिणा तो आप जरूर चढ़ाइए भगवान को, ये देखिए दक्षिणा। और उसके बाद मैंने दीपक ले लिया है, तो दीपक देखिए ये है घी का दीपक और ये फूलबत्ती वाला दीपक है, तो ये घी का दीपक है और आप इसमें मट्टी के दिए भी ले जा सकते हैं या फिर आप आटे के दिए बना के लेके जाइए। तो अगर आपके पास होंगे मट्टी के दिए तो आप मट्टी के दिए ले जाइए, सुबह भी जो आप मट्टी का दिया ले जा रहे हैं तो शाम में भी आप मट्टी के दिए ही लेके जाइए। तो मैं मट्टी के दिए नहीं थे मेरे पास, तो मैंने क्या किया आटे का दिया बना लिया है और शाम में भी मैं आटे के दिए ही लेके जाऊंगी। तो ये हो गया दीपक फुलबत्ती वाला और ये मैं एक माचिस की डिब्बी ये लेके जाइए। माचिस की डिब्बी हमेशा घर से लेके जाइए क्योंकि अग्नि हमेशा घर से लेके जानी चाहिए, वहाँ पे जो दिए जल रहे हैं उनसे अपना जो दिया है वो मत जलाइए, अपने जो धूप है वो मत जलाइए, हमेशा अग्नि अपने घर से ही लेके जाइए। और ये मैंने एक फल ले लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए ये फल जरूर लेके जाइए, कोई भी फल हो, जो भी आपके इधर मौसमी फल रहते हैं तो आप फल जरूर लेके जाइए। और ये देखिए साथ में मैंने ये रखी है टिश्यू पेपर, तो मैं टिश्यू पेपर इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ें पार्वती माता को चढ़ाऊंगी, जो मैं गणपति को चढ़ाऊंगी, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो वाली चीज़ें शंकर जी को भी लगे, तो मैं टिश्यू पेपर इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि इधर उधर चीज़ें ना हो जाए, एक दो उधर उनको टीके ना लग जाए, तो कैसा होता है जब लग जाते हैं ना कोई दोष लग जाता है, तो वो चीज़ें ना हो इसकी वजह से मैं साथ में टिश्यू पेपर लेके जा रही हूँ। और आप भी ज़रूर टिश्यू पेपर लेके जाइए या फिर नहीं होगा तो आप एक आधा कपड़ा लेके जाइए शुद्ध कपड़ा, तो वो लेके जाइए। और अब देखिए इसके अंदर जो चीज़ें नहीं, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसमें बेलपत्ती की कमी है तो बेलपत्ती आपके पास होंगी तो आप रख लीजिए, मैं वहीं से लेके चढ़ा दूंगी। और इसके बाद कभी और होगा जब मुझे बेलपत्ती मिल जाएंगी तब मैं और बार वीडियो शूट कर लूंगी। और अगर आपके पास जो धतूरे का फल होता है अगर वो मिल जाता होगा तो धतूरे का फल रखिए, धतूरे के जो फूल आते हैं वो रखिए आप, अपराजिता के फूल मिलते हैं, अपराजिता के फूल शंकर जी को बहुत प्रिय होते हैं, अगर मुझे मिल गए वहाँ पे वहाँ मंदिर में झाड़ है तो मैं तोड़ लूँगी अगर मिल जाते हैं तो, क्योंकि आज सभी लोग तोड़ लेंगे। और शमी पत्र शंकर जी को बहुत प्रिय रहती है तो शमी पत्र हर जगह नहीं मिलती, अगर आपके होंगे तो आप शमी पत्र भी जरूर रखिएगा। और इसके साथ मैं ये लेके जा रही हूँ, देखिए ये मैंने रखा है पानी, तो ये पानी मैं घर से लेके जा रही हूँ क्योंकि पानी हमेशा मैंने बोला था आपको कि घर से लेके जाना चाहिए कि इतने से पानी से होने वाला नहीं है, इसकी वजह से मैं इतना पानी लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे पहले सारा जो भगवान रहते हैं उन सबको अच्छे से सफाई करना पड़ेगा आजू बाजू की, तो इसकी वजह से मैं सारा पानी लेके जा रही हूँ और एक आसन लेके जा रही हूँ बैठने के लिए। तो चलिए ये होगी मेरी पूजा की थाली, तो बस अभी मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ। देखिए पूजा की थाली को हमेशा ढक के लेके जाइए, खुली नहीं लेके जाना है मंदिर में। और मैं आज मेरा व्रत है तो मैं चप्पल नहीं पहन रही हूँ, तो मैं बिना चप्पल की मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए। चलिए तो चलिए पूजा के लिए निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, थोड़ा सा दूर है मंदिर यहाँ से, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो चलिए एक साथ गाड़ी पर जाती हूँ। तो देखिए मेरी पूजा की शुरुआत हो गई है। और आज कैसा है ना, मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहती थी कि पशुपतिनाथ व्रत में जो पूजा रहती है वो किस तरीके से विधिवत की जाती है। और जब मैं आई थी ना तो उस समय पूजा चली रही थी और उनके लिए भी मैं रुकी, फिर उनके बाद और लोग आए तो मैंने उनको भी बोला कि आप लोग भी पूजा कर लो, मैं बाद में करती हूँ। तो ऐसा करते करते बहुत लोग आते गए और पूजा करते गए और मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा था कि मैं अकेले पूजा कब करूँ। तो फिर मैंने किसी को बोला कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, मैं जल्दी से पूजा करती हूँ और फिर आप करिए। तो कैसा है, एक को तो बोल दिया लेकिन फिर दूसरे को नहीं बोल सकते थे, लोग फिर आते ही जा रहे, पूजा करते ही जा रहे। और देखिए मैं पूजा कर रही थी ना तो और लोग करते ही जा रहे थे, तो हम किसी को रोक ही नहीं सक रहे थे कि किसी को बोले कि आप पूजा अभी मत करो, बाद में करो, क्योंकि कैसा है ना पशुपतिनाथ व्रत की पूजा हर कोई करता है और सभी का व्रत होता है, किसी कोई तो सिर्फ जल चढ़ाने ही आ रहे थे तो मैं किसी को रोक नहीं पा रही थी। तो मैं सबके लिए रुकी लेकिन मेरे लिए कोई रुक नहीं रहा था, तो हम किसी को बोल नहीं सकते हैं।
क्योंकि पूजा है वो। तो देखिए मैंने सब कर लिया और मैं भगवान का श्रृंगार कर रही थी ना, तो लोग पूजा करते जा रहे थे और जो मेरा श्रृंगार था ना भगवान जी को, वो सब मिटते जा रहा था, तो मैं उस तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो एक दिन मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अच्छे से वीडियो बनाऊंगी और जिसमें आप लोगों को अच्छे से दिख पाए कि मैं जो जल रहता है वो कहाँ कहाँ चढ़ा रही हूँ, किसे पहले चढ़ाना पड़ता है, किसे बाद में चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे डिटेल में एक वीडियो मैं इसके लिए अवश्य लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। तो कैसा है ये पूजा विधिवत करना चाहिए तो इसका फल हमको जरूर मिलता है। और ऐसा कोई आपकी जो मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो वो इस व्रत से अवश्य पूर्ण हो जाती है, तो आप ये व्रत जरूर करिएगा। और देखिए ये जो व्रत रहता है ये आप राहु काल में मत करिए, आप इसको राहु काल निकलने के बाद ही करिए। तो राहु काल का समय जो रहता है ना वो सुबह के समय रहता है, तो 8 से 9:30 के बीच का जो समय था वो राहु काल का था। आज तो मैं राहु काल में मैंने नहीं किया पूजा, राहु काल निकल गया उसके बाद मैं पूजा करने आई, या फिर आप राहु काल के पहले करिए पूजा तो अच्छा रहता है। कैसा ना राहु काल में जो पूजा की जाती है ना तो वो पावन नहीं रहती है, तो आप कोशिश करिए कि वो समय निकल जाए तो उसके बाद ही करिए या फिर उसके पहले करिए। और आपको राहु काल का समय चाहिए तो आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, उसमें मिल जाता है कि राहु काल का समय क्या है, तो आप देख के करिएगा। तो पशुपतिनाथ व्रत की जो पूजा विधि है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, जल्दी आ जाएंगे वीडियो। और वहां पे इतनी गर्दी थी, इतने लोग पूजा करने आ रहे थे, तो इतना ये हो रहा था ना, ठीक से पूजा करते नहीं आ रही थी, लेकिन कर लिया मैंने पूजा भगवान जी की। और जितना सामान मेरा मैं वापस लेकर आई हूँ, जो सुबह का जितना सामान था, ये देखिए मैंने ज़्यादा ही लेके गई थी मैं, तो यही सामान मैं अभी इसमें कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ, बस मैं अभी 6 दिए बना लूँगी और प्रसाद बना लूँगी और थोड़े बहुत फूल जो ताजे वाले वो रख लूँगी। और बेलपत्ती मैं वहीं से लेकर आ गई हूँ, चढ़ी हुई बेलपत्ती को धोकर लेकर आ गई और एक बार धो लूँगी। और ये देखिए अब ये थाली शाम की इसमें जाएंगी। और अभी जो मैं जो पानी लेकर आ गई हूँ वहाँ से जंगल जी को चढ़ा हुआ जो जल है, तो अभी इसको सारे घर में छिड़क देती हूँ। ये देखिए अब इसको अपने आंखों से लगा लीजिए थोड़ा सा, सभी बच्चे सभी को बोलिए लगाने के लिए। और थोड़ा सा इसे अपने जो भी पानी पीते हैं हम लोग उस पात्र में इसको डाल दीजिए। और ऐसे आपको शाम में भी करना है, शाम में भी आपको जल लेके आना है। तो बस सब लोग मैं यहीं पे कर रही हूँ, क्योंकि ये थी मेरी पूजा की जो सुबह की थाली थी, ये मैंने सजा के जो सुबह की पूजा है, पूजा की विधि मैं आपको इतनी डिटेल में अगली बार शेयर करूँगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी पूजा में बहुत गड़बड़ी होगी, मैं रुकी बहुत देर वहाँ पे, तकरीबन मुझे वहाँ पे 2 घंटा लग गया, 10 बजे, हाँ 2 घंटा लग गया मुझे वहाँ पे, तो इतने अच्छे से मेरा शूट नहीं हुआ। एक आधी बार मैं उसकी अलग से शूट करूँगी, देखूँगी किस समय पर वहाँ पर गर्दी नहीं रहती, क्योंकि बहुत लोग आ रहे थे पूजा करने के लिए और कोई रुक नहीं रहा था, सबको गड़बड़ थी पूजा करने की। तो बस अभी मैं शाम की पूजा की तैयारी करती हूँ, दोपहर में कर लूँगी और एक बार फिर से नहा लूँगी, तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी, तो आज का वीडियो मैं यही कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, तो जो भी नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।